हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनसाइड टॉक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा मजदूर का। काफ़ी दिनों से सरकार ने पैसा नहीं भेजी है, लेकिन किसी किसी भाई का जो अकाउंट में पैसा आ रहा है। आखिर किस मजदूर का खाते में पैसा आ रहा है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको हम वीडियो को जो मनरेगा अंतर्गत और कोई भी सरकारी योजना का अंदर जो चलती है, इसका मैं अपडेट आपको देता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है narega.nic.in, या फिर नरेगा लिख के आप सर्च करेंगे, कुछ पेज जो है इस तरह से इंटरफेस होंगे, जैसे कि लिखा हुआ ग्राम पंचायत नरेगा में क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टेट पे। जैसे कि आपको सब हम हमेशा बताते हैं कि किसी भी स्टेट में बिलोंग करने से पहले आपको स्टेट में क्लिक करना है। स्टेट क्लिक करने के बाद हम झारखंड राज्य में क्लिक करते हैं। झारखंड राज्य में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट में चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली एक हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे। आप अगर किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ क्लिक करें। जैसे कि हमने क्लिक किया देवघर। देवघर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है यहाँ, जैसे कि ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक नहीं, इसका आपको एक्टिव स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जानेंगे कि किस मनरेगा मजदूर के खाते में पैसा आ रहा है। वहाँ क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ब्लॉक, एक कोई भी ब्लॉक, आप जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ क्लिक करना है। जैसे कि ब्लॉक हो गया, चलिए हम क्लिक करते हैं मधुपुर ब्लॉक में क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए फर्स्ट सिग्नेचर लिखा हुआ है, एक सेकेंड सिग्नेचर लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट नंबर ऑफ एक्टिव साइन लिखा हुआ 170 नंबर ऑफ एक्टिव पेंडिंग, यानी कि साइन जो है ब्लॉक के द्वारा तो साइन हो जाता है, लेकिन किसके द्वारा जो है मनरेगा मजदूर का खाते में पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर टोटल चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्टिव प्रोसेस्ड बाय बैंक PFMS कॉम्प्लीटली, यानी कि बैंक या PFMS के द्वारा जो है सरकार वहाँ पैसा 143 नंबर को एक्टिव को जो है पैसा भेज चुकी है। और कितने लोगों का पेंडिंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 27 150, और जो है कि 27 वहाँ कितना था, तो हो गया 150 होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर 170 है और 143 आप 27 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 170। अब 170 एक्टिव में, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ 31,050 जो बंदा दिख रहा है, लाभों का नाम दिख रहा है या पैसा दिख रहा है आपको, इसमें हम क्लिक करते हैं। एक एक्टिव में देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 31,050 का जो है पैसा ट्रांसफर, वहाँ ABP में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पता चलेगा कि किस डेट में जो है सरकार ने पैसा भेजी है और कितने लोगों का अकाउंट में जो है पैसा आया है, कितना रुपया आया है। यहाँ पर देखिए, एक एप्लीकेंट नेम दिखेगा फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन दिख रहा है 13/2/2022, और जो है 25/2/2022 को अकाउंट में पैसा आ चुका है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 25/2/2022 को जो है सरकार पैसा भेजी है। और आप भी मनरेगा अंतर्गत कुछ जानते हैं तो आप आसान से जान सकते हैं कि वाकई में ये 25/2/2022 को जो है अकाउंट में पैसा भेजी है। और देखिए, यहाँ से बहुत सारे लाभुक है जो उसको अकाउंट में पैसा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मनरेगा मजदूर के लाभुक हैं या फिर मजदूर हैं, तो आप भी जाकर देखिए कि आपको 25/2/2022 को जो है पैसा आ चुका है। और यहाँ पर आपका नाम तो यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, आप अपने ब्लॉक में जाके चूज करेंगे। इस तरह से जो है फ्रेंड्स, आप आसानी से अपना मनरेगा मजदूर का भुगतान को देख सकते हैं। कई महीनों से लगभग पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन सरकार ने 25/2/2022 को जो पैसा भेजी है, कितने लोगों को भेजी है, आप भी चूज करें, आप भी देख लें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।